अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुन अपना नदीम भाई। उम्मीद करना सारे खैर खरीत अल्लाह ताला हिफ्ज़ और इमान के साथ। अज है जी ईद का दूसरा दिन, ईद मुबारक है ना दूसरी, तो नाल ही जुम्मा मुबारक है, जुम्मा भी आया है। तो तीसरा ये है कि जनाब राती असर आया तूफान, इस किस्म ना इतना तेज़ तूफान से कि खंबे भी बाकी चीज़ा भी तकरीबन सारिया डैमेज हो गई। खंबे खंबे टैप है, बिजली कोई नहीं, ग्रां सने तो जातला गुजार जी बिजली आई है, सुबह नहीं चलाई है, लेकिन असें ग्रां बिजली तकरीबन दो त्रै दिन लगन के नहीं आवे बिजली। इस वजह से खंबे काफ़ी यानी कि ढै पे, दो खंबे तो असें ग्रां ढठे, बाकी छन्नी अल भी पनेड़ी अल भी इधर भी खंबे खंबे ढठे हैं। तो तूफान सुबह तकरीबन चार बजे आया, पंद्रह एक मिनट रहा वे तूफान, लेकिन है कि उस तो भाई मचा रही है। बाकी है कि असें दुकानदार ने भाई दी, उन्होंने भी फ्रिज ढै पे सन टुट गए, फ्रिज ये फ्रिज है लगे चिले जैसे शीशे शीशे टुट गए, काफ़ी यानी कि उन्होंने नुकसान होया है। अलबास होटल है उसमें शेड शेड टुट गया वै, कि बहुत ही तेज बहुत ही खौफनाक तूफान से हो। बाकी जी अज रूटीन है सारी शेयर करना सुना, तो उम्मीद करना आज दिहाड़े भी तुम अच्छा गुजर सी इतना दूसरा दिन। अस दूआ दिन कल भी दुकान दसा, परसों चांद रात की सुबह पाँच बजे गए हैं, तो अज भी इतनी हाँ। हूँ जुम्मा पढ़ने जासा, तो जुम्मा पढ़ के जो कोई सिस्टम है वो इस तरह शेयर करसा। बहर ले दुआ करो ज्यादा, तो तूफान आया से जो ये बनया नुकसान होया ना, अल्लाह ताला उन्हें सबर दे। बिलाल साहब इन्ना कसूर नहीं है जनाब, नहरी ना राती जनाब सारा कुछ दरम बरम हो गया है। इधर मुबीन साहब ना फ्रीज था, इधर बिलाल साहब ना नैसले अली भाई ना पता नहीं किस बच गया वह, मुबीन ना भी टूट गया ना। जनाब सुबह तूफान आया तकरीबन चार बजे तूफान आया, हर चीज़ दरम बरम कर गया, दो फ्रिज शीशे टूट गए, बाकी तबाही हो गई है। ए जी जो राती तूफान आया ये असें जामे मस्जिद जातला अड्डनी अल हालक ने बैक साइड मस्जिद है, इस शर्ट राती तकरीबन जितना भी ऐसे सारा इतों तूफान नहीं वजह तू उड़ गया वै, टुट गया वै, तो नाल उड़ गया तो पीछे जा पाया वै, वो भी चक्कर ने उसने कि इतों उड़ गया, तो बाद चल के चक्कर आने उसने कि मस्जिद अलहमदुल्ला बहुत प्यारी मस्जिद है। ए जी शेड है, ए जनाब शेड है, अंदर भी इसमें दसिया वै, तो बहर है इतने आन के पे शेड है, मस्जिद है सोनी पाने का मुल है, दौड़ मसीती तक दस दुकाने तक नाल पैजैद मसे आए ना। पैजैद क्या हाल है, पैजैद क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, जनाब सुबह गए पांच बजे था, मुड़ के सवेरे ईद पड़ी है, नाल पैतारे घर को कुरबानी सी वो की है, साढ़े दस ग्यारह बजे फिर दुकान तक अखा दस नींदर भरी हैं। बाकी मौसम कदे गर्म तो कदे सर्द, ठंडा भी हो जाना गर्म भी हो जाना, बेहतरीन मौसम है। सारे भ्रावों की ईद मुबारक है मेरी तरफ। तो एक और रिक्वेस्ट भी करसा कि जिस जिस भ्राओ कुरबानी जी है खाल ना दे गोश लाजमी दे, यही गल है गोश देना चाहिए, चाहिए एक गल मुमकिन है, मुमकिन है। तो ये बंदे बंदे क्या करते हैं, फ्री क्या बात है, बिजली वाले तो बैठे गरीब बंदे बदवा बैठे फिर अस गरीबन बदवा जी देने ना, नहीं ये लग ही जानी है, फिर त्रै त्रै चार यही गल है, पूरे पूरे बकरे पूरे पूरे दांद। वो कल एक पोस्ट एक बंदे लगी था कि उस पिछे फ्रिज बंदे अगर दांद पूरा इंतजाम कर पूरा इंतजाम उस
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਲੋਗ ਨਿਤ ਨਿਆ ਵਾ ਕਰਸੀ। ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਲਾਡਲੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਛੱਪੜੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।